Good morning students, myself Manjeet, your science teacher, and today we continue our chapter number first, which is chemical reactions and equation. And today our topic is types of chemical reaction. In our last lecture we also discussed about the type of chemical reaction, but there are six reactions on the basis of nature of reactions. लास्ट लेक्चर के अंदर जो आपकी डिस्कशन थी अबाउट केमिकल रिएक्शंस, वो आपकी टू टाइप्स की रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंड जो आपकी रिएक्शन थी वो डिपेंड करती थी या फिर वो किसके बेसिस पे थी, चेंज इन एनर्जी. जबकि रिएक्टेंट है एंड जो प्रोडक्ट है उनकी एनर्जी के चेंज पे, या फिर हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज. सो फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसके ये और ये आपकी जो मतलब फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों एक दूसरे का अपोजिट होती है. फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ इज न्यूट्रलाइजेशन एंड सिक्स्थ इज रिडॉक्स रिएक्शन. सो वट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको नाम से ही क्लियर होता है, यहाँ पे कंबाइन करना या फिर किसी भी स्पीसीज का कंबाइन करना किसी भी दूसरी स्पीसीज के साथ और कुछ ना कुछ न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करना. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस या फिर टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपकी वो रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर टू या फिर टू से ज़्यादा स्पीसीज रिएक्ट करेंगी और हमें एक सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन देती हैं. For example, A and B are reacted together to give a new product C. A और B react करेंगे और हमें देंगे C. जरूरी नहीं है कि आपका दो ही reactant या फिर दो ही species हम use करेंगे यहाँ पे, दो से ज़्यादा भी आप ले सकते हो. Two or more species can be reacted in chemical reaction या फिर in combination chemical reactions. फॉर एग्जाम्पल, जबकि मोस्टली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं ये एक्सोथर्मिक होती है नेचर के अंदर, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जिनके अंदर हीट है वो रिलीज होती है. मोस्टली रिएक्शन ऐसी है, बट सारी रिएक्शन आपकी जो इट मीन्स दैट सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं उनको हम ये नहीं बोल सकते कि वो सारी ही एक्सोथर्मिक होती हैं. कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं जो एंडोथर्मिक होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन को, कार्बन आपका कोक की फॉर्म में होते हैं, कार्बन मतलब कोयले को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं बर्न करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. कार्बन को जिस टाइम रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ या फिर कार्बन जिस टाइम बर्न करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, then we get carbon dioxide and some amount of heat is also released with carbon dioxide. तो यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन है, यहाँ पर जो हीट है वो रिलीज हुई है, बाहर निकली है, तो जो आपकी रिएक्शन है वो क्या होगी? एक्सोथर्मिक. नेक्स्ट कोई और एग्जाम्पल लेते हैं. हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन का, मैग्नीशियम रिबन जिस टाइम मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की. रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, O2 आपका इस साइड ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. बट जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका जो Mg है वो भी 2 हो गया, तो यहाँ पे Mg को भी 2 करेंगे. जो मैग्नीशियम रिबन है वो आपका ग्रे कलर का होता है, बट जिस टाइम मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है तो यहाँ से हमें वाइट ऐश मिलती है. वाइट ऐश की जो फॉर्मेशन है वो होती है. ये भी आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी जो हीट है वो रिलीज होती है. मैग्नीशियम रिबन को जिस टाइम बर्न करते हैं तो यहाँ से जो हीट है वो रिलीज होती है. सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम आयरन को रिएक्ट करवाते हैं सल्फर के साथ, आयरन को रिएक्ट करवाते हैं सल्फर के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से.
आयरन को सल्फर के साथ रिएक्ट करवाएंगे और कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसे प्रोवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास मिलता है आयरन सल्फाइड, FeS, आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन के अंदर हम हीट उसको सप्लाई कर रहे हैं, फिर हीट है वो रिएक्टेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो जो आपकी ये रिएक्शन है इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नाउ एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज होती है जिस टाइम कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है तब। तो जो आपकी ये वाली रिएक्शन है ये भी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्लियर। नेक्स्ट आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल ही अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ पे हम कह रहे थे टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू गिव अ सिंगल सब्सटेंस, बट यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसके अंदर इसका अपोजिट हो जाएगा। सिंगल सब्सटेंस आपका ब्रेक होगा टू और मोर सब्सटेंसेस के अंदर। जो सिंगल सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल इसी रिएक्शन को हम अपोजिट कर दें, जो सी हमारा कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी कंपाउंड है, वो ब्रेक होके हमें टू या फिर टू से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है उनकी फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब एक से हमें ज़्यादा की फॉर्मेशन मिल रही है, तो ये आपकी रिएक्शन होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है अगर हम इसको हीट करें। यहाँ पे हमने इस रिएक्शन में क्या किया था, पहले कैल्शियम ऑक्साइड को ट्रीट करवाया था कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमें मिला था कैल्शियम कार्बोनेट और कुछ ना कुछ हीट रिलीज हुई थी। बट अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्योंकि एक सब्सटेंस आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दे रहा है। सेम जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगर इसको हम अपोजिट करते हैं, इस वाले रिएक्शन को अपोजिट कर देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम हीट कर देते हैं तो हमारे पास मिलता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज होती है साथ में, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल हो जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। थैंक यू।